नमस्कार, आज हमारे साथ हैं प्रसिद्ध लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन प्रशांत भांगी। डॉक्टर साहब, बेग दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। डॉक्टर, सबसे पहले तो हमारे पाठकों को आप ये बताएं कि लिवर की बीमारी कैसे होती है और इसके क्या कारण है। देखिए, लीवर की बीमारी होने के बहुत सारे कारण हैं। बच्चों में भी ये बीमारी होती है, बुजुर्गों में भी ये बीमारी होती है, तो इसके कई सारे कारण हैं। लेकिन अमूमन अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में और भारत में भी जो सबसे कॉमन कारण है जिससे लीवर की बीमारी होती है, नंबर वन पे आता है हेपेटाइटिस। और ये हेपेटाइटिस बेसिकली लीवर का इन्फेक्शन है, और हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। सो इंडिया में मोस्ट कॉमन हेपेटाइटिस सी है, उसके बाद हेपेटाइटिस बी है। तीसरा सबसे जो एक कॉमन कारण है वो अल्कोहल है। अल्कोहल पीने से, ज़्यादा क्वांटिटी में पीने से और बहुत देर तक पीने से लीवर की बीमारी होती है। ये तीन 70% के करीब कारण होते हैं लीवर की सिरोसिस, जो लीवर की एडवांस बीमारी होती है जिसको हम बोलते हैं, उसके कारण होते हैं। बाकी 30% जो कारण होते हैं, एक अब बहुत नई तरीके की बीमारी आई है, हमारे रहन सहन के वजह से, हम जो खाना खाते हैं, हमारा जो डे टू डे हमारी एक्टिविटी कम हुई है इन टर्म्स ऑफ एक्सरसाइज वगैरह, उसको बोलते हैं नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। सो अल्कोहल की वजह से नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे रहन सहन और हमारा खाना वगैरह सब कुछ चेंज हुआ है, लाइफस्टाइल चेंज की वजह से ये बीमारी अब प्रोमिनेंस में आई है। इनफैक्ट वेस्टर्न कंट्रीज में ये ऑलमोस्ट नंबर वन है अब लीवर की दिक्कत क्रिएट करने में। तो हेपेटाइटिस, अल्कोहल, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। जैसे मैंने आपको बोला कि बच्चों में भी ये बीमारी होती है, तो बच्चों में बाय बर्थ किसी जीन के डिफेक्ट होने से या फिर एंजाइम्स जो होते हैं बॉडी में उनके डिफेक्ट होने की वजह से भी कुछ कुछ बीमारियां होती हैं लीवर की, जो बाय बर्थ होती हैं, जैसे कि विल्सन्स डिजीज हम बोलते हैं, फिर बिलियरी अट्रेजिया करके होता है, ये बीमारियां होती हैं। तो बच्चों में भी ये बीमारी पाई जाती है लीवर डिजीज की, और एडल्ट्स में जो मैंने आपको कारण बताए वो मोस्ट कॉमन कारण है लीवर की बीमारी के। तो इसमें लीवर ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है डॉक्टर साहब? देखिए, लीवर सिरोसिस जो हम बोलते हैं, लीवर की जो डिजीज होती है, इसका प्रोग्रेस जो होता है इसमें बहुत टाइम लगता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि आपको आज लीवर की डिजीज शुरू हो गई और कल आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़े। नॉर्मली जो लीवर डिजीज होती है वो प्रोग्रेस करती है वेरियस स्टेजेस में। अगर मैं आपको इन सिंपल टर्म्स में बताऊं तो पहले एक स्टेज आती है जिसमें हम बोलते हैं कि इस पेशेंट को या मरीज को फैटी लीवर डिजीज है। फैटी लीवर का मतलब कि लीवर की जो नॉर्मल आर्किटेक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने की वजह से वो आर्किटेक्चर जो है वो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो खराब हो जाता है आर्किटेक्चर, लीवर का फैट कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है, उसको बोलते हैं फैटी लीवर डिजीज। नेक्स्ट स्टेज आती है जब लीवर का आर्किटेक्चर थोड़ा और डिस्टॉर्ट हो जाता है और लीवर थोड़ा सख्त हो जाता है। नॉर्मली लीवर एक स्पंज की तरह होता है, जैसे हमारे लंग्स और लीवर होते हैं स्पंज की तरह, मोम की तरह बहुत सॉफ्ट होता है, लेकिन वो फिर जब थोड़ा सख्त होना शुरू हो जाता है उसको बोलते हैं लीवर फाइब्रोसिस। और फाइब्रोसिस से आगे जो स्टेज होती है उसको बोलते हैं सिरोसिस। सिरोसिस में हमारे पूरा लीवर जो है सख्त होके उसमें छोटे छोटे नोड्यूल्स बन जाते हैं, छोटी छोटी गांठें की तरह बन जाती हैं, और लीवर का पूरा आर्किटेक्चर डिस्टॉर्ट हो जाता है। इस सिरोसिस में फिर कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो जाते हैं जो हमें दिखते हैं, जैसे कि पैरों में सूजन आना, पेट में पानी बनना शुरू होना, खून की उल्टी होना, या अंदरूनी बहाव होना खून का, जिसको इंटरनल जीआई ब्लीडिंग बोलते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशन जब आते हैं तो ये सिरोसिस का एंड स्टेज होता है, और उस एंड स्टेज में फिर मेडिसिन भी काम करना बंद कर देती है। तब उस स्टेज पे एक ही इलाज होता है और वो होता है ट्रांसप्लांट। मैं दुनिया से बात करने के लिए डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद जी।